यहां देखिए हम आ चुके सेटिंग में। एनगेज कुछ चांस स्क्रॉल डाउन करोगे और यहां आपको मिलेगा सिक्योरिटी का भी ऑप्शन, एनगेज प्राइवेसी का भी ऑप्शन। आप यहां सिक्योरिटी से भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो और यहां प्राइवेसी से भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। हम देखिए गाइस प्राइवेसी पे गाइस क्लिक किए और यहां आपको मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, यहां पर गाइस क्लिक करना है और आपसे यहां मांगा जाएगा एंटर योर प्राइवेसी पासवर्ड। आप जो यहां पे प्राइवेसी का पासवर्ड अपने फोन में बनाए उसको ऐड कर देना। अगर आप नहीं बनाए तो आप यहां से न्यू भी क्रिएट कर सकते हो, न्यू पासवर्ड बना लेना, उसके बाद यहां पे एंटर करना पड़ेगा। तो हम देखिए आप प्राइवेसी का पासवर्ड एंटर करते हैं, कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा एंड गाइस आपको मिलेगा ऐप इंक्रिप्शन, यहां पर गाइस क्लिक कर देना है और यहां फाइनली जब क्लिक करोगे कुछ लोडिंग एप्स का ऑप्शन आएगा। तो आपके फोन में यहां देखिए जितने भी एप्लीकेशन है तो सब एप्लीकेशन खुल के यहां पर ओपन हो जाएंगे। आप जिस एप्लीकेशन को यहां से लॉक करना चाहते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, जो कि कोई भी एप्लीकेशन अगर लॉक करना चाहते हो आप यहां से कर सकते हो। तो हम देखिए लॉक लगाएंगे सिंपल सा अपने फोन के एल्बम में। तो हमारा देखिए यहां पे एल्बम यानी कि गैलरी शो हो रहा है। हम देखिए अगर इसको ऑन करेंगे हमारे फोन में एल्बम में लॉक ऐड हो जाएगा, अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो लॉक यहां पे हट जाएगा। तो हम देखिए इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन कर दिया और यहां से देखिए हम बैक आ गए और अपने एल्बम को अब हम ओपन करेंगे। तो यहां देखिए रहा हमारा एल्बम, एल्बम को ओपन करते हैं। यहां हमसे मांगा जाएगा एंटर योर प्राइवेसी पासवर्ड। गाइस जब तक हम प्राइवेसी का पासवर्ड यहां पे ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा लॉक यहां पे ओपन नहीं होगा। तो हम देखिए हम अपना प्राइवेसी का पासवर्ड ऐड करते हैं, प्राइवेसी का पासवर्ड ऐड कर दिया और यहां पे देखिए हमारे फोन में एल्बम हमारा लॉक था और यहां पे खुल के ओपन हो चुका है। तो आप ऐसे सेटिंग करके अपने Vivo के Y20T फोन में यहां से किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।